हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल क्रेजी माइंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप अमेज़न की हेल्प से कोई भी सिलेंडर कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आप अमेज़न पे कोई भी चीज़ भी दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कपड़े हुए दोस्तों, कुछ शूज़ हुए, जूते हुए दोस्तों, आप बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अमेज़न की मदद से सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं और दोस्तों आप उसका जो भी पेमेंट होता है सिलेंडर का, उसको भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, वो कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप अमेज़न से कैसे कोई भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के अमेज़न पर चले जाना है। अमेजोन पर जाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर दोस्तों 3 डॉट दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ राइट साइड पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ 3 डॉट हैं। दोस्तों आप 3 डॉट पर क्लिक कर लेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा है अमेजोन पे, तो दोस्तों आप अमेजोन पे पर क्लिक कर देंगे। अमेजोन पर पे पर क्लिक करने का दोस्तों थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद दोस्तों आपको गैस बुक करना है, गैस सिलेंडर बुक करना है। तो दोस्तों आपको थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पर ऑप्शन गैस बुकिंग का। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ लिखा है गैस सिलेंडर, दोस्तों देख सकते हैं लिखा है गैस सिलेंडर। दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा है सेलेक्ट प्रोवाइडर टू प्रोसीड। दोस्तों आप सेलेक्ट कर लेंगे कि दोस्तों आपका कौन सा सिलेंडर है। दोस्तों भारत गैस का है, HP गैस का है दोस्तों, या इंडियन गैस का है। दोस्तों आपका इनमें तीनों में से कोई सा भी सिलेंडर है तो दोस्तों आप बुक कर लेंगे। आपको जिस भी सिलेंडर को दोस्तों बुक करना है, मुझे दोस्तों भारत गैस का सिलेंडर बुक करना है, तो दोस्तों मैं भारत गैस सिलेंडर को क्लिक कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों आपका जो भी नंबर रजिस्टर्ड है दोस्तों आपके गैस की किताब में, दोस्तों जो जो भी नंबर दोस्तों रजिस्टर्ड है, अब दोस्तों आपको वही नंबर डालना होगा, तभी जाके दोस्तों आप ऑनलाइन अमेजोन की मदद से अपने सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। या दोस्तों आप मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते, मोबाइल नंबर आपको पता नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे LPG ID भी डाल सकते हैं। दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा है गेट बुकिंग डिटेल्स, तो दोस्तों आप अगर डिटेल डालें तो आप दोस्तों इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगी। दोस्तों कस्टमर का नाम आ रहा है और दोस्तों आपका डीलर का नाम आ रहा है, जहाँ से दोस्तों आपकी गैस आती है वो, दोस्तों जहाँ से दोस्तों आपकी गैस आती है सिलेंडर आता है वो, दोस्तों उसका भी नाम आ रहा है। और दोस्तों बिल अमाउंट दोस्तों जो जितना भी आपके गैस का सिलेंडर का बिल अमाउंट है दोस्तों वो दोस्तों आ रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है दोस्तों वो भी ऊपर शो कर रहा है। अब दोस्तों आपको आपके सिलेंडर के जितने ही पैसे हैं अब दोस्तों वो आपको ट्रांसफ़र करने होंगे, कटवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप उसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों थोड़ा लोडिंग लेगा, आप थोड़ी प्रोसेस चलने देंगे। प्रोसेस चलने के बाद दोस्तों अब दोस्तों आपके अमेजोन में जो भी बैंक अकाउंट ऐड होगा उसी बैंक अकाउंट से आपके पैसे कट जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ लिखा स्किप टू पे, आप इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा लोडिंग लेगा। दोस्तों अब आप दोस्तों किससे अपने सिलेंडर का पैसा कटवाना चाहते हैं, दोस्तों आप UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या दोस्तों डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के थ्रू पैसे कटवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप किसी को एक को सेलेक्ट करके पैसे कटवा सकते हैं। मैं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक से पैसे कटवाना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे लिखा है प्लेस ऑर्डर एंड पे, तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। इस पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करूँगा थोड़ी लोडिंग लेगा, तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आपको थोड़ी लोडिंग लग रहा है, दोस्तों थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों आप जैसे ही अपने UPI पिन डालेंगे दोस्तों आपका आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कट जाएगा। दोस्तों जितने का भी दोस्तों आपका सिलेंडर है उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से दोस्तों कट जाएगा दोस्तों, और आपका सिलेंडर ही बुक हो जाएगा। और दोस्तों जितने का आपका सिलेंडर है दोस्तों वो भी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी दोस्तों।